क्लास 9 चैप्टर 6 पार्टनरशिप मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि हमने सोल ट्रेडर पढ़ा दैट इज अ सिंगल पर्सन ओके सारा मैनेजमेंट उसके हाथ में कैपिटल पूरी वो लगाता है बिजनेस का कंट्रोल पूरा उसके पास रिस्क पूरी उसकी और रिवॉर्ड यानी प्रॉफिट्स भी सारे उसके ही अभी वो सिंगल पर्सन से टू और मोर पीपल आ रहे हैं तो हम उसको पार्टनरशिप बोल रहे हैं सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग अ पार्टनरशिप इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन कीवर्ड वॉलेंटरी एसोसिएशन किसी ने जबरदस्ती नहीं की है कि आओ और पार्टनरशिप में आओ वो लोग अपनी इच्छा से साथ में आए इच्छा से साथ में आना मतलब वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस मिनिमम दो लोग तो होने ही चाहिए टू पीपल शुड बी देयर वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस हु अग्री टू कैरी ऑन सम बिजनेस जॉइंटली मतलब वो अग्री कर रहे हैं कि कोई बिजनेस जॉइंटली साथ में करेंगे who agree to carry on some business jointly and share its profits and losses और उसके profits और losses को share करेंगे the persons who enter into partnership are individually called partners and collectively a firm अब ये जो individual लोग हैं उनको हम क्या बोलेंगे जैसे मान लो ये Mr. A है B है C है तो Mr. A एक पार्टनर हुआ मिस्टर बी एक पार्टनर हुआ मिस्टर सी एक पार्टनर हुआ और ये लोग सब साथ में क्या कहलाएंगे एक फर्म कहलाएंगे एज पर द पार्टनरशिप एक्ट चलता है एक तो एक्ट मतलब क्या एक तरह का सेट ऑफ रूल्स लॉ तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन हुम बिटवीन पर्संस हु हैव Agreed to share profits. उन्होंने क्या agree किया है? Agree किया है to share profits of a business. एक business जो वो साथ में चला रहे हैं, उसका profit share करने को agree किया है. Carried on by all or any one of them acting for all. Very important line कि कोई एक जना business को पूरा handle कर सकता है, तो भी चलेगा. Carried on by all. सब यदि handle कर रहे हैं, तो भी चलेगा. और एनी वन ऑफ देम कोई एक भी उन लोग को रिप्रेजेंट करते हुए बिजनेस चला रहा है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल तो जो पार्टनरशिप एक्ट की लाइंस है क्योंकि किसी लॉ ने दिया है तो ये लाइंस वर्ड बाय वर्ड आनी चाहिए